अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर मिलेगी मंजूरी। दो जिलों को मिल सकते हैं मेडिकल कॉलेज, आचार संहिता के पहले मानी जा रही है आखिरी बैठक। कुछ और नई महत्वपूर्ण घोषणाओं पर भी लगेगी मुहर। तो दो जिलों को मिल सकते हैं मेडिकल कॉलेज, बड़ी सौगात मिल सकती है शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। अब ये कहा जा रहा है कि आचार संहिता के पहले खास तौर से बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में कई ऐसे फैसले हैं, कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मंजूरी भी मिल सकती है। तो भोपाल से अहम खबर, जहां दो जिलों को ही कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल सकती है। तो आचार संहिता से पहले ये आखिरी और काफी महत्वपूर्ण बैठक भी मानी जा रही है। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है, और आपको ये भी बता दें कि कई सारे प्रस्तावों पर इस बैठक के दौरान आज मंजूरी मिल सकती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दो जिले ऐसे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज की सौगात आज मिल सकती है। आचार संहिता के पहले काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। दो जिलों में कहा जा रहा है मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, शिवराज कैबिनेट की काफी अहम बैठक आज है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आचार संहिता से पहले ये आखिरी बैठक है। क्या कुछ अहम निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं? देखिए, अगर देखें तो हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। कई बड़े प्रस्तावों की इस पूरी बैठक में फहरिस्त है, और इस फहरिस्त की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम कहें प्रस्तावों को लेकर, कहीं ना कहीं सीएम शिवराज जो है इस बैठक के दौरान जो बड़े फैसले लेंगे उसमें बात करें तो मेडिकल कॉलेज की सौगातों की तो बात है, या चार मेडिकल कॉलेजेस का भूमि पूजन भी मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस पूरी बैठक के दौरान जो बड़े फैसले लेना है उसमें स्किल पार्क को लेके एक बड़ा जो है वो सौगात मिलने वाली है। तीन चुनावी संबंधी और घोषणाएं हैं जो महिलाओं के संबंध में है, अगर उसकी बात करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम इस पूरी फहरिस्त को देखें तो ये फहरिस्त काफी लंबी है घोषणाओं की। इसमें अगर हम बात करें कैबिनेट की बैठक में तो बहुत सारे शिलान्यासों के पहले की सौगातों का भी इसमें सिलसिला है। पांच नई तहसीलें जो हैं वो आज मिलने वाली है। इसके अलावा भोपाल में 8-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। तो कई सारी बड़ी सौगातें हैं आज की इस बैठक की, अगर हम बात करें तो उसको देखते हुए। बिल्कुल, तो अनुराग हमें बता रहे कि लंबी फहरिस्त है, और इसमें देखना होगा कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिन पर निर्णय अहम रूप से होता है शिवराज कैबिनेट की बैठक में। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आचार संहिता के पहले खास तौर से आखिरी बैठक मानी जा रही है शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं उसे लेकर चर्चा प्रस्तावित है, और कई अहम ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी भी मिल सकती है।